यू। क्या मंगाया? यार मेरे ना लैपटॉप का माउस डेड हो गया। हाँ, बिल्ली के पंजे में चूहा कब तक जिंदा रहेगा? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरे पीछे गली गली के लड़के दीवाने हैं। पर मैं रोड के किनारे रहता हूँ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। क्या तुम इंग्लिश बोल लेती हो? हाँ हाँ। तो फिर बोल के दिखाओ इंग्लिश। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका? क्या कर? मैं ना उससे शादी करूँ, इसका कारोबार ऊंचा होगा। तुम उससे कर लो। क्यों? मैं पहाड़ों पे बकरी चराता हूँ ना। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। अरे क्यों इतना परेशान रहती है? मैंने बोला ना मेरे साथ मेडिटेशन जाया कर, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। इतना शांत रहती हूँ मैं, क्या बताऊँ। अरे बहुत शांत रहती हूँ मैं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। हाँ कल से पक्का मेरे साथ जाना। एक सेकंड होल्ड करना। अरे क्या चप 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 करके खा रहे हो? तमीज से नहीं खा सकते? पता है मैं फोन पे बात कर रही हूँ। अरे नहीं, अरे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। कहाँ जा रही हो? अरे मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे उसका बेटा है ना, ना कुछ बोल पा रहा है ना चल पा रहा है। क्या बात कर रहे हो? अरे अभी पैदा हुआ है, 2 घंटे पहले। मैं जा रही हूँ। यार खाना लेकर आ जाओ, बहुत थक गया हूँ यार। अरे मैं सो गई थी, खाना नहीं बन पाया। यार एक इंसान सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करता है, रात को उसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल सकता? यार रहन दो यार, मैं बाजार से खा के आ जाऊंगा। अरे सुनो 10 मिनट रुको बस। क्या बना दोगे? अरे मैं भी आपके साथ चलती हूँ, दोनों साथ में बाहर ही खाना खा लेंगे। सुनो बधाई हो, आप मौसा बन गए और मैं मौसी बन गई। यार क्या है, कोई मुझे चाचा बनवा रहा है, कोई मुझे ताऊजी बनवा रहा है, कोई मुझे मौसा बनवा रहा है। ऐसा कोई नहीं है क्या जो मेरी गर्लफ्रेंड बनवाए? बनवाऊ गर्लफ्रेंड? यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, पांच बेचारे के अंडे फोड़ दिए, नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। जाने देना मधु, बेचारा शरीफ लगता है। शरीफ कहाँ से? शक्ल से तो ये लोफर लग रहा है, लोफर। ए फूलन देवी, क्या है? जबान को लगाम दे, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हो रहा है? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट हेडलाइट 500। अच्छा मम्मी जी चलते हैं। खुश रहो, सुखी रहो। तुम नहीं जा रही क्या? क्यों? अरे नहीं, मम्मी जी ने बोला ना खुश रहो सुखी रहो, तो मुझे लगा तुम यही रोक रही हो। अरे आ गए आप, रुको मैं आपके लिए खाना लगा के लेके आती हूँ। हाँ अगर खाना तो बाहर से खा के आया हूँ, लेकिन इसको बोलूंगा तो लड़ेगी। क्या हो गया, खड़े क्यों हो गए? जाओ जाके हाथ धो लो। हाँ जा रहा हूँ। बेबी मैं वो कह रहा था, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा भाई आने वाला है। यार ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता ना। एक सेकेंड, अब आपको मेरे भाई के आने से प्रॉब्लम है? रोज जो आपके कजन आए पड़े रहते हैं उसका क्या? हफ्ते में 2 बार आता है सिर्फ मेरा भाई। अरे नहीं मैं कह रहा था कि फिजूल खर्ची कम करेंगे तभी तो सेविंग्स होगी ना। हाँ बड़ा खर्चा हो जाता है आपका, एक रस मिलाई गुलाब जामुन दाल मखनी में तो आपका घर लुट जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगी, खाना लगा दो। बाहर में जाओ आप और आपका खाना, नहीं मिलेगा कोई खाना। अरे बेबी बेबी बच गया। सुनो ना बेबी, चलो कश्मीर घूम के आते हैं, वैसे भी 3-4 दिन आपके ऑफिस की छुट्टियां हैं। अच्छा कितना खर्चा आ जाएगा? अभी ना मेरी फ्रेंड होके आई थी, बोल रही थी कि 3-4 लाख में हो जाएगा। अच्छा 3-4 लाख? कम से कम जीते जी जन्नत तो देख के आए। कोई बात नहीं, मर के देख ले। हमें बैठ 4 लाख पेड़ पे उग रहे हैं। चलो ये लो। होगी तसल्ली, मिल रहा कुछ? कुछ भी ना मिला। फिर रोया क्यों है? जिस इंसान को कोई घास भी डालती ना वो मेरे पल्ले पड़ गया। करम फोड़ दिए मेरे तो, मेरे घर को ना जाके वो बर्तन धो लो। दो हूँ मारा मन्ना। सुनो जी, तुम्हें मेरी सुंदरता अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? बस तेरी मजाक करने की आदत बढ़िया लग। इसका मतलब ना मेरे अंदर संस्कार है और ना मैं सुंदर हूँ? बात तो सही है। बढ़िया तू घर में।